प्रिय साथियों नमस्कार। साथियों आज के वीडियो में हम देखेंगे स्कूल चले हम अभियान 18 जून 2024 को आपने अपनी शाला में प्रेरकों का रजिस्ट्रेशन किया है। आज के वीडियो में हम देखेंगे आपकी शाला में कुल कितने पंजीयन हुए। हमारे वीडियो पे आज भी बने रहिएगा साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बेल आइकन प्रेस कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होता रहे। तो आइए देखते हैं 18 जून 2024 को स्कूल चले हम अभियान में देखें आपकी शाला में कुल कितने पंजीयन हुए। प्रिय साथियों सबसे पहले आप गूगल के सर्च बार पर आप टाइप करेंगे साथियों एजुकेशन पोर्टल MP। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एजुकेशन पोर्टल MP यहाँ पर हमने टाइप किया educationportalmp.government.in। इस आसन पर आप क्लिक करेंगे। ओके साथियों, और जैसे क्लिक करेंगे साथियों यहाँ पे एक नया पेज ओपन होगा स्कूल चले हम अभियान। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्लिक करेंगे साथियों क्लिक वाले स्थान पे, और जैसे क्लिक करेंगे साथियों यहाँ पे एक नया पेज ओपन होगा स्कूल चले अभियान 2024-25। तो साथियों यहाँ पे जो है तीन बाक्स बने हुए हैं, पहले में लिखा हुआ है कुल स्कूल, दूसरे बॉक्स में पंजीकृत स्कूल और तीसरे में कुल पंजीयन। तो कुल वाले पंजीयन वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। ओके साथियों, जैसे क्लिक करेंगे साथियों तो आपके जिलेवार जो है संख्या यहाँ प्रदर्शित होगी। यहाँ पे जो है पूरे मध्य प्रदेश के जिलों का नाम आ चुका है साथियों। अब यहाँ पे सबसे पहले आप चूज़ कर लें हमारा ज़िला क्या है, आप अपना ज़िला सबसे पहले चूज़ कर लें साथियों। तो देखिए यहाँ पर जो है क्रमवाइज जो है ज़िला का नाम दिया गया है, तो यहाँ पे जो है ज़िले का नाम यहाँ पे हम चूज़ कर रहे हैं साथियों। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं सीधी वाले 17 नंबर पे है, यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे साथियों यहाँ पे विकासखंड की संख्या दिखाएगी। अब यहाँ पे विकासखंड यानी आपके सीधी में कुल कितने विकासखंड है, सभी विकासखंडों के यहाँ पर सूची जारी है। ओके साथियों, अब सीधी वाले विकासखंड में आप अपने ब्लॉक को चूज़ करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने ब्लॉक को चूज़ किया। जैसे ब्लॉक चूज़ करेंगे साथियों अब इसके बाद स्कूल वार सांख्यिकी, अब यहाँ पे स्कूल वार दिया गया है। अब यहाँ पे जो है क्रम से आप अपने स्कूल का नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके साथियों, तो यहाँ पे जो है आप क्रम से देख सकते हैं और स्कूल का नाम जैसा कि आप इसे देख पा रहे हैं यहाँ पे स्कूल का नाम देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर साथियों जो है स्कूलों की लिस्ट यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं स्कूलों की लिस्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है आप अपने स्कूल का नाम जो है क्रम संख्या से देख सकते हैं। जैसा कि आप भी देख पा रहे हैं यहाँ पे 114 नंबर में हमारे स्कूल का नाम यहाँ पे दिया गया है, 114 नंबर में यहाँ पे GPS बगैहा और स्कूल का यहाँ पे डैश को प्रदर्शित हो रहा साथियों। और यहाँ पे प्रेरकों की संख्या जैसा कि आप भी देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रेरकों की संख्या जो है 3 यहाँ पर दिया गया है। ओके, यहाँ पर प्रेरकों की संख्या जो है 3 दिया गया है यहाँ पर। जैसा कि आप भी देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रेरकों की संख्या जो है यहाँ पे 3 दिया गया है। इस तरह जो है आप बहुत ही आसान तरीके से आप अपने स्कूल में जो आपने प्रेरकों की पंजीयन किया है उनकी संख्या जो है साला बार आप इस प्रकार आप देख सकते हैं। ओके साथियों, तो आज का बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, थैंक यू।